हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक यूपीआई प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत जन फेस करता है। तो क्या है ये प्रॉब्लम और क्या और कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा यूपीआई रिलेटेड, मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा यूपीआई रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताने जा रहा हूँ वो प्रॉब्लम के बारे में रिगार्डिंग यूपीआई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने कल एक पेमेंट करने का कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो योर पेमेंट ऑफ ₹20 हैज फेल्ड, ठीक है। और ये जो पेमेंट फेल हुआ था ये 8:30 PM को फेल हुआ था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइमिंग भी है, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा है पेमेंट फेल्ड, योर बैंक हैज ब्लॉक्ड और फ्रोजन योर अकाउंट, प्लीज कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे जब ये इन्फॉर्मेशन मैंने देखा मैं डर गया था, लेकिन मैंने फिर कस्टमर केयर को फोन किया और उनसे पता किया कि ये जो पेमेंट फेल्ड वाला सिस्टम है बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैंने बहुत ही यूट्यूब वीडियोस देखा, लेकिन उसमें जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं बताता है, ठीक है। मैं आप लोग को डिटेल सॉल्यूशन भी बताऊंगा, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कैसे आप लोग घर बैठे ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप लोग कोई भी यूपीआई ऐप यूज़ करते हो, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजोन पे, कोई भी हो, ठीक है। और अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम आ रहा है पेमेंट फेल्ड, ठीक है, मेरा जो अकाउंट है वो SBI में अकाउंट है, ठीक है। तो मैं SBI रिलेटेड में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर आपका कोई भी दूसरा अकाउंट है तभी भी आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आता है ये प्रॉब्लम किस लिए आता है, ये प्रॉब्लम आता है अगर आपका UPI ID ब्लॉक हो जाता है या फिर किसी कारण से आप लोग डीएक्टिवेट कर देते हो, ठीक है। तो उसको आप लोग को एक्टिवेट करना पड़ता है, तभी जाके आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो कैसे आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो, दो मेथड है, आइदर यूज इंटरनेट बैंकिंग और दूसरा जो है योनो SBI ऐप के थ्रू आप लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कैसे आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो UPI ID। तो पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ योनो SBI के थ्रू कैसे आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो ऐप है ये योनो SBI का ऐप है, ठीक है। और ये जो है ये अपडेटेड वर्सन है, तो रिसेंटली अपडेट किया गया है। और इसमें जो है नीचे आप लोग देख सकते हो 5 ऑप्शन आप लोग को मिल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। और फिर आप लोग को व्यू मोर के ऊपर क्लिक करना है, देन आप लोग को कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग को अकाउंट सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। और फिर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और हम लोग आ चुके हैं सर्विस रिक्वेस्ट का सेक्शन में योनो SBI का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अकाउंट सेक्शन में बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग को सिर्फ एक्टिवेट करना है UPI को, ठीक है। और आपका जो फ़ोनपे हो, गूगल पे, कोई भी हो, उसमें आप लोग को सिर्फ अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल करना है और आपका एक्टिवेशन प्रोसेस जो है आप लोग को करना है, ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिजेबल और एनेबल अकाउंट UPI, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। तो रिसेंटली अपडेट होने के बाद ये फीचर जो है डिजेबल और एनेबल अकाउंट जो है UPI का, ये फीचर अभी एक्टिवेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कमिंग सून का नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग का एक्टिवेशन है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो बाय यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये एक्टिवेशन नहीं है और कुछ दिन वेट करना होगा तभी जाके आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन दूसरा जो मेथड है नेट बैंकिंग के थ्रू, वो मेथड से आप लोग इजीली एक्टिवेट कर सकते हो। तो चलिए कैसे आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेट बैंकिंग के बारे में। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे आप लोग SBI का इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो अपना UPI ID और घर बैठे ही आपका काम जो है ये सक्सेसफुल हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू टू लॉगिन और फिर यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और फिर कैप्चा एंटर करके आप लोग को लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं ये डिटेल भरने जा रहा हूँ अभी। और OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया होगा, उसको यहाँ पे एंटर करना है और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं अपना SBI का इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। तो अकाउंट नंबर, ब्रांच, फिर अवेलेबल बैलेंस, फिर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में आप लोग देख सकते हो SBI ऑनलाइन लिखा होगा और उसके नीचे में 3 डॉट होगा, उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। और फिर इधर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को माई अकाउंट एंड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माई अकाउंट में भी बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और इधर आप लोग देख सकते हो एक ऑप्शन होगा एनेबल और डिसेबल अकाउंट फॉर UPI, ठीक है। और ये जो ऑप्शन को आप लोग को एक्टिवेट करना होगा सो दैट आपका जो UPI का प्रॉब्लम आ रहा है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एनेबल और डिसेबल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करना है और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एनेबल और डिसेबल UPI में ऑटोमेटिकली अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि एक ही अकाउंट है मेरा, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो यहाँ पे आप लोग को चॉइस करने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सबमिट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 ऑप्शन मिलता है एनेबल और डिसेबल। अगर आपका डिसेबल हो चुका है तो यहाँ पे आप लोग को एनेबल करना है और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे आप लोग को सबमिट बटन पे क्लिक करना है और रेफरेंस नंबर के साथ आप लोग को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोग यूपीआई का ऐप यूज करते हो तो आप लोग को उसको रीइंस्टॉल करना है और ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा सब चीज, ठीक है। तो इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हो घर बैठे ही ये प्रॉब्लम को। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।